हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग लिंक्स की। अर्थात संयोजी कड़ियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वायरस आजकल बहुत नाम सुनने में भी आ रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो वायरस जो हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बीच की। जब तक इन वायरसेस को कोई लिविंग होस्ट नहीं मिल जाता तब तक ये निर्जीव रहते हैं, और जब इनको कोई लिविंग होस्ट मिल जाता है तो ये सजीव हो जाते हैं। तो वायरस लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। नेक्स्ट जो कनेक्टिंग लिंक है वो है युगलीना। तो युगलीना जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो होती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है युगलीना। नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक है प्रोटेरो स्पॉन्जिया। तो प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो कनेक्टिंग लिंक है वो है प्रोटोजोआ और पॉरीफेरन्स के बीच की। फाइलम पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ के जो बीच की कनेक्टिंग लिंक है वो है प्रोटेरो स्पॉन्जिया। नेक्स्ट नियोप्लाइना। तो नियोप्लाइना जो है वो है मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। अगला जो है वो है पेरीपेटस। तो पेरीपेटस जो है वो फाइलम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। नेक्स्ट है वेलानोग्लॉसस। तो वेलानोग्लॉसस जो है वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती है। नेक्स्ट है लंग फिशेस, जिसका जूलॉजिकल नेम प्रोटोप्टेरस होता है। तो ये लंग फिशेस जो हैं वो फिशीज मतलब फिश एंड एम्फीबियंस के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती हैं प्रोटोप्टेरस। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच। नेक्स्ट है टैकीग्लॉसस। तो टैकीग्लॉसस जिसे एकिडिना भी कहा जाता है, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। ये सारे नाम जो है वो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है आर्निथोरिंकस, जिसे डकविल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है। तो डकविल्ड प्लेटिपस जो है वो कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक्स थी जो कि कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट या कोई भी एसएससी, बैंक पीओ इत्यादि में ये कुछ पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कनेक्टिंग लिंक किसके बीच होती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।